श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम बनाने वाले हैं गाय, भारतीय देसी गाय। पहले हम कागज़ पर चित्र बनाएंगे और फिर इस तरह से अलग अलग पार्ट कट करेंगे और सफ़ेद कपड़े पर रखेंगे और कट करेंगे। इस तरह से दो दो भाग कट करेंगे सभी। फिर यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और कान ब्लैक कलर के दो भाग करेंगे और दो भाग सफ़ेद कलर के और सींग काले कलर के। फिर हम यहाँ से इस तरह से दो फिर धीरे से उठाएंगे और इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और फिर हम इस पर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सारे पार्ट्स पर हम सिलाई लगाएंगे। एक भाग उल्टा, एक भाग सीधा रखेंगे और कान में एक भाग काला और एक सफ़ेद इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे और फिर हम सबको घुमा करके इस तरह से सीधा करेंगे। इस तरह से सीधा करने के बाद हम भरेंगे सब में रुई। इस तरह से रुई भरने के बाद में काले कलर का कपड़ा लेंगे और यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे, सुई से सिलाई लगाएंगे। और अब हम इन्हें यहाँ पर जॉइंट करेंगे सुई से। अब लगाएंगे कान थोड़ा सा ऊपर से, इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पर सुई से लगाएंगे। दोनों इसी तरह से लगाएंगे और फिर यहाँ पर लगाएंगे हम सींग। और अब हम बनाएंगे पूंछ। वाइट कलर का कपड़ा लेंगे, फिर इस तरह से खींचेंगे और यहाँ पर रखेंगे और नाप करेंगे और यहाँ से कैंची से कट करेंगे। और फिर हम काले कलर का धागा लेंगे और इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से फिर हम कैंची लेंगे और यहाँ से कट करेंगे। ये हो गई सुंदर सी पूंछ तैयार। और अब हम इन्हें यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। फिर एक सफ़ेद कलर का कपड़ा लेंगे और यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से, सुई से सिलाई लगाएंगे। इसके बाद में हम इस तरह से एक कपड़ा लेंगे सफ़ेद कलर का, उसमें चार पार्ट रखेंगे और फिर कैंची से इस तरह से कट करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा कट लगाएंगे। फिर एक भाग उल्टा, एक भाग सीधा रख के सिलाई लगाएंगे। जैसे पैरों की सिलाई लगाई थी इसी तरह से यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से छोटे छोटे थन बनाएंगे। और अब हम भरेंगे इसमें रुई और थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पर सुई से लगाएंगे। अब हम काला धागा लेंगे और गाय की आँख की डिज़ाइन करेंगे और फिर काला कपड़ा लेके यहाँ पर मुंह पर डिज़ाइन करेंगे। ये हो गई बहुत ही सुंदर गाय तैयार। और आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में लिखिए जय गो माता, जय गोपाल।